नमस्कार दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरी इस नई वीडियो में। आपके सामने जो गाड़ी है वो KTM RC125 है। ये गाड़ी मेरे पास थोड़ा दूर से आई है, ये गाड़ी बंद कंडीशन में मेरे पास आई थी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी वगैरह तो काम कर रही थी बट इसमें चेक इंजन लाइट MIL ऑन था बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब इसको चेक किया, डायनोस किया पूरा, तो उसमें जो उसका सेल्फ लें वो भी रिप्लेस किया हुआ था। उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी में मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको निकाल दिया है, बट ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ वो जो मैकेनिक भाई काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जानते, वो लोग भी ऐसी जो एडवांस्ड गाड़ियाँ हैं उनको सीखने के चक्कर में कितनी बार गाड़ी को खोलते हैं और वापस जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कपलर्स हैं उनको असेंबल और असेंबल कर देते हैं। उसकी वजह से कितनी बार इसका जो मॉड्यूल है PCM जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, उसके अंदर वो मेमोरी सेव हो जाती है कि आपने ये डिस्कनेक्ट किया है या वो शॉर्ट है। अगर वो डिस्कनेक्ट किया है उसको वापस जोड़ भी देंगे और अगर इसकी जो मेमोरी है इरेज नहीं की गई स्कैन टूल के द्वारा, तो हमेशा गाड़ी में दिक्कत आती रहेगी। या सब कुछ सही होगी, गाड़ी स्टार्ट होगी सब कुछ करने के बाद भी, अब इस गाड़ी में चलाने के टाइम पे गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है और पिकअप प्रॉपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका इंजन का चेक लाइट चालू है। तो मैं एक बार पास में लाकर आपको चेक लाइट दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के साथ ही गाड़ी स्टार्ट होने पर भी इसका इंजन का चेक लाइट जो है वो शो कर रहा है। मीटर डिस्प्ले के अंदर आप देख पा रहे हैं, मैं अगर कैमरा पास ले आता हूँ और आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये जो मीटर का चेक लाइट है वो ऑन है MIL। तो एक बार इसमें स्क्रीन टूल लगा कर देखना होगा कि क्या क्या उसमें फंक्शन या कौन कौन से सेंसर उसमें फॉल्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं कैमरे को कुछ टाइम के लिए होल्ड करूँगा और स्क्रीन टूल का आपको दिखाऊँगा कि कितने इसमें स्क्रीन टूल के अंदर मेमोरी डिटेक्ट कर पाता है मेरा स्क्रीन टूल और कहाँ कहाँ पर इसमें इशू है, क्या क्या इसका सेंसर खोल के वापस लगाया गया था। तो एक बार मैं स्कैन टूल के पास जाता हूँ, तब तक के वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें स्कैन टूल ऐड कर दिया है और कनेक्शन ले लिया है बैटरी से और मैं अब स्कैन टूल को ऑन करता हूँ। ऑन करने के साथ ही आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कोड फाउंड 5 मॉनिटर NA11 मॉनिटर OK00 आ रहा है। इसका मतलब 5 तरह की मेमोरी इसके अंदर सेव है दोस्तों। तो मैं रीड करता हूँ कोड्स। तो पहला जो मेमोरी आ रहा है वो P0562 है जो कि सिस्टम वोल्टेज लो का है। उसके बाद अगला जो आ रहा है दूसरा कोड वो है 0507P यानी पावर ट्रेन से रिलेटेड है आइडल एयर स्क्रू का। उसके बाद अगला जो कोड आ रहा है वो P0336 क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का है और फोर्थ नंबर का जो कोड है वो P0351 आ रहा है जो कि इग्निशन कॉइल से रिलेटेड है। और पांचवा जो कोड आ रहा है दोस्तों वो P0641 जो कि सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए सर्किट ओपन आ रहा है। तो जिन पाँचों में से कोई भी सेंसर को खोला गया या तो वो शॉर्ट हो चुका है या वो ख़राब है, तो नए से बदली करने के बाद भी हर बार इसकी मेमोरी रिज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इंजन की चेक लाइट जो मीटर में शो होती है MIL मॉल फंक्शन इंडिकेशन लैंप वो हमेशा ऑन होता रहेगा, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर नहीं आएगी दोस्तों मेरी। आप तो मैं एक बार पहले ये मेमोरी को इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं दूसरा ऑप्शन पर लिया मैंने और मेमोरी को मैं इरेज कर रहा हूँ। ये बोल रहा है इरेज ट्रबल कोड्स, आर यू श्योर? यस, मुझे सारी इरेज करनी है। तो इरेज डन हो चुका है दोस्तों। तो एक बार गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्या वास्तव में सारी मेमोरी इससे डिलीट हो चुकी है और गाड़ी में जो इंजन में चेक लाइट आ रही थी वो गाड़ी स्टार्ट करते ही अगले 1 से 2 सेकंड में बंद हो जानी चाहिए। तो एक बार मैं गाड़ी इसी कंडीशन में स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मीटर डिस्प्ले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आपको चेक लाइट पहले शो कर रही थी मीटर डिस्प्ले के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है दोस्तों। मैं एक बार गाड़ी को बंद करता हूँ और फिर से आपको स्टार्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं येलो जो लाइट है चेक लाइट की, ये आएगी और ऑन रहेगी। जैसे ही मैं गाड़ी को क्रैंक करूँगा, सेल्फ ऑन करूँगा और ये लाइट स्टार्ट होते ही बंद हो जानी चाहिए। इट मीन्स आपका कोई भी मॉड्यूल के अंदर इसके मॉड्यूल में कोई भी इस तरह का कोई कोड अब नहीं बचा है दोस्तों, इरेज हो चुका है पूरा। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। ये KTM RC125 है। किसी भी तरह की कोई भी एडवांस बाइक हो जो VS6 है या सेंसर से ऑपरेट की जाती है, उसमें एक्चुएटर और सेंसर लगे होते हैं, उन गाड़ियों को थोड़ा केयरफुली देखना होता है दोस्तों। और जो भी मैकेनिक भाई किसी भी गाड़ी को सीखना चाहते हैं काम सीखने के
लिए वो कितनी बार उन चीज़ों को भी छेड़ देते हैं या खोल देते हैं सीखने के लिए कि शायद इसमें फॉल्ट होगा, ये इस पार्ट से सही नहीं हुआ, चलो वो पार्ट लगा के देखते हैं। ये इस तरह की कोई भी टेक्निक आगे जाके फ्यूचर में नुकसान दे सकती है गाड़ी को भी, कस्टमर की पॉकेट को भी, और आप खुद का भी बहुत इसमें वक्त ख़राब हो सकता है। कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी गाड़ी की नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आपको नॉलेज नहीं तो कोई बुरी बात है, अपनी जब पैदा होता है दुनिया में कोई भी इंसान सीख के नहीं आता है, दुनिया में आके उसको सीखना होता है। तो आप भी अच्छा काम सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और जहाँ तक पॉसिबल हो किसी गाड़ी की किसी काम की आपको नॉलेज नहीं हो तो आपको नॉलेज लेना चाहिए दोस्तों, उसके बहुत सारे अच्छे माध्यम हैं, उन पर आप लीजिए, बहुत अच्छे लोग जो इस तरह की अच्छी जानकारी फैला रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को सीखने का हक नहीं, बिल्कुल आप सबको सीखने का हक है। आज मैं भी कुछ आपको बता रहा हूँ तो मैंने अपने अनुभव पे 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी पूरा अधिकार है, आप भी सीखिए। और जहाँ तक पॉसिबल हो उन चीज़ों को काम करने से पहले आप उन सब चीज़ों की बारीकियाँ जो है वो आपको सीख लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी आपको परेशान ना होना पड़े और कस्टमर के भी जेब का नुकसान ना हो। तो ये गाड़ी में जो फोर्स आ रहे थे इसके अंदर वो सब मैंने इरेज कर दिया, गाड़ी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन हो चुकी है। आपसे दोस्तों उम्मीद है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जो वीडियो आ रही है उनमें आपको कोई यूज़फुल लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।